हाय, तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में आप जानेंगे एक्टिव टू पैसिव जो है फ्यूचर मॉडल परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्टेंस या मॉडल परफेक्टेंस का। तो मैंने मॉडल परफेक्ट एक वीडियो में शॉर्ट में बताया था आपको क्या होते हैं, तो इसमें दोनों कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए होते क्या हैं इसमें कि सबसे पहले आपको कुछ स्ट्रक्चर्स जानने होंगे, उस स्ट्रक्चर्स को हम एनालिसिस कर देते हैं दोबारा से, जिससे कि पैसिव बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा और इसमें केवल हम आपको एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर कैसे कैसे बनाएंगे आपको देखिए, या तो इसमें आपको विल मिलेगा, या तो शैल मिलेगा, या तो शुड मिलेगा। ठीक है, शुड, कुड, मे, माइट, मस्ट, इस टाइप के आपके मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ आपको हैव मिलेगा एक्टिव वॉइस में और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। ये स्ट्रक्चर आपको इसका बनता है। विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट जो भी है इस टाइप से मिलेंगे और आपके ये स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो कैन होता है इसमें उसका स्ट्रक्चर इसमें नहीं आ पाता है। जैसे आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं यू कैन हैव डन द वर्क, गलत हो जाएंगे। यू कुड हैव डन द वर्क हो सकते हैं, यू मे हैव डन द वर्क, यू माइट हैव डन द वर्क, ऐसे हो सकते हैं, लेकिन यू कैन हैव डन द वर्क नहीं हो सकते। यू कैन हैव ए पेन हो सकते हैं, लेकिन यू कैन हैव परचेस्ड ए पेन या बॉट ए पेन नहीं हो सकते हैं। तो कहीं पूरी की पूरी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर जो है आपको अपने आप में एक्सेप्शन है, अपवाद रखता है अपने आप में। ठीक है, तो चलिए इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं, सेंटेंस लिखते हैं एक्टिव वॉइस में। ठीक है, देखिए एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखते हैं, शी मस्ट हैव सीन द ताजमहल या ताज, उसने ताज जरूर देखी होगी। देखिए ध्यान से, उसने ताज जरूर देखी होगी। सेंटेंस जो है अभी भी शंका में है, पॉसिबिलिटी में है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। ये मॉडल में मैंने पढ़ा रखा है, मॉडल का प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कवर करने के लिए आप टेंस की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि मैंने कैसे सबको बताया है। तो यहाँ पर मैं जब भी आप बनाएंगे, क्योंकि यह मस्ट है, और मॉडल वर्ब में विल, शैल को छोड़ करके जितने भी मॉडल वर्ब आप यहाँ पर लिखते हैं, चाहे ये मे हो, चाहे माइट हो, चाहे कुछ भी हो, ये कभी भी अपना पोजीशन नहीं बदलता विल और शैल को छोड़ करके। ठीक है, क्योंकि विल और शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको यूज़ करने होते हैं। तो आपका सब्जेक्ट का जो यहाँ पर में है कॉम्बिनेशन, वो ऐसे है, सब्जेक्ट हो गया आपका, इसके बाद आपका मॉडल वर्ब हो गया, कोई भी मॉडल वर्ब, परफेक्ट वाला मॉडल वर्ब, इसमें मस्ट हैव, मे हैव, ठीक है, इस टाइप से आ सकते हैं। प्लस आपका हो गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो क्या करेंगे पैसिव में बनाने के लिए, इसके ऑब्जेक्ट जो ताज है, क्योंकि ताजमहल वन ऑफ द सेवन वंडरफुल थिंग है वर्ल्ड में, और जितने भी वन ऑफ द सेवन वंडरफुल थिंग है वर्ल्ड पे, उससे पहले द का यूज़ किया जाता है। तो द ताज को एक साथ सेट में उतारेंगे यहाँ पे, तो द ताज हो जाएंगे, द ताज। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं टी स्मॉल था, यहाँ पे कैपिटल हो गया, क्योंकि ये टी अभी रनिंग में अंदर में है सेंटेंस में, इसको बाहर निकाला है, इसलिए हमने टी को कैपिटल कर लिया, और हमेशा सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है। तो द ताज मस्ट हैव बीन, क्योंकि परफेक्ट है, मैंने बताया था परफेक्ट बीन लगता ही लगता है। द ताज मस्ट हैव बीन सीन बाय, शी के हो जाएंगे, इस टाइप से आपके बन गए। ठीक है, अब हम इसी को कन्वर्ट थोड़ा सा चेंज करते हैं, मस्ट के बदले हम लिख देते हैं विल, शी विल हैव सीन द ताज, वो ताजमहल देख चुकी होगी। पहले का मीनिंग था वो ताजमहल जरूर देख चुकी होगी, अभी है वो ताजमहल देख चुकी होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर में मस्ट को रिमूव कर दो और यहाँ पर में विल लगा दो, बस शी विल हैव बीन।
यहाँ पे है द ताज विल हैव बीन सीन बाय हर, बन गया। अगर यहाँ पे वुड होंगे शी वुड हैव सीन द ताज, वह ताजमहल देखी होगी। अब यहाँ पे विल और वुड में क्या फ़र्क है, मैंने मॉडल वर्ब में पढ़ा रखा है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करेंगे, विल को हटा देंगे यहाँ पर में, और यहाँ पे क्या करेंगे, वुड को यूज़ कर देंगे। द ताज वुड हैव बीन सीन बाय हर। तो इस टाइप से जो है ये अपना पोजिशन चेंज करके अपना स्ट्रक्चर सेम रहता है, बस यही थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस में।